हेलो दोस्तों, आज लेके आए हैं बाल विकास का टेस्ट पेपर, जो देखते हैं 30 में से जिसके जिस अभ्यर्थी के भी अगर 25 सही होते हैं तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो पूरा टेस्ट पेपर लगाएं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो किससे आधारित है आपको बताना है इसका राइट आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का सिद्धांत पर, ऑप्शन दो है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन तीन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन चार है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो मुझे उम्मीद है आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकास से, गणितीय विकास से, पठन विकास से, व्यवहारिक विकास से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, पठन विकास से। नेक्स्ट है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन तीन है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन चार है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, दूसरे सामान्य, मतलब विशेष और सामान्य दोनों क्या करते हैं, साथ साथ शिक्षा लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो प्रश्न नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन चार विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। नेक्स्ट है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, पुस्तकों में उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लिखवाने पर बल कभी नहीं दिया जाता है, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा, व्यक्तित्व मतलब एक बंदे पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है समूह की वजह पर। ऑप्शन तीन है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवस्था की अनदेखी करना, ये भी गलत हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ऑप्शन फोर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, तो किस क्रम में होना है, ऑप्शन ये है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका सही हो जाएगा, पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। नेक्स्ट है मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण एवं शिक्षा का, अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो जैसे आपको अनुवांशिक और वातावरण दोनों साथ साथ दिखें तो इसका मतलब राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट है कक्षा एक और दो के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर क्या होगा, अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, ये बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था में कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे संबंधित सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने में की मतलब प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट है भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनिम। नेक्स्ट है व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक मतलब प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था प्रस्तुत, मन ने किया था, सेल्डन ने किया था, हिप्पोक्रेटस ने किया था या कैटल ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अल्फ्रेड विनी ने किया था, स्पीयरमैन ने किया था, गिलफोर्ड ने किया था, स्टर्न ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन।
सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने किया था। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था जो होती है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। अंडाणु होते हैं, फिर शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, फिर उसके बाद युग्मज होता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट होता है। समूह शिक्षण क्या होता है? समूह शिक्षण, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? संसाधनों मतलब संसाधनों रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है पुनर्बलन का एक प्रकार? सकारात्मक यह है आपका शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड ये भी है आपका, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन ये भी है आपका। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? उपरोक्त में से कोई नहीं, फोर वाला जो है इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सारे हैं ऊपर वाले। नेक्स्ट है, लेब बाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सामाजिक अन्योन्याय क्रिया। ये क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूल कारक कारण है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का दिशा गया मतलब किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये किसके अंदर आएगा? किसके अंदर आएगा? अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अच्छी लड़की अच्छा लड़का बनने के लिए क्या आपको अपने आप को ईमानदार दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भाटिया भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मक अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बुद्धि। बुद्धि के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है कोहलबर्ग का? आपको पता होगा नैतिक विकास दिया था कोहलबर्ग ने, नैतिक विकास का सही सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निमंत्रण श्रेणी प्राप्त करता है, मतलब क्या है निमंत्रण श्रेणी प्राप्त करता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि क्या परामर्श दिया जा सकता है? वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, तो इसलिए वो जो कम नंबर लाता है अच्छे नंबर लाने लगेगा, ये परामर्श दिया जाता है अभिभावकों द्वारा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, विद्यार्थी कितनी बार गलती करने से बचना? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब विद्यार्थी विचारों को समर्पित मतलब संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, मतलब जब परीक्षा भवन में स्थापित होती है तो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह ऊंचे तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है मतलब जैसे क्लास में जाती है तो उसके हाव भाव फूल जाते हैं, तो यहाँ पूछा है इसका क्या मकसद हो सकता है? कौन है सीमा परीक्षा में एक ग्रेड प्राप्त करना चाहती है, तो इसमें क्या हो सकता है? शायद वह
अक्स मात्र संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? संवेगात्मक आवेग का सामना मतलब सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो नर्वस हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो परिवार जो है समाजीकरण का एक प्रमुख जो है कारण है। नेक्स्ट है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। 25 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं मानसिक, शारीरिक, थकान, ये सभी। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्यों? मानसिक से भी प्रभावित होता है और शारीरिक से भी होता है, थकान से भी होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, ये किसका कथन है आपको ये बताना है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन वन हरलाख का है, ये किसका है? हरलाख। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टि बाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल एक्ट ड्यूटी क्या होगी? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी क्या हो जाएगा? अत्यधिक उपयोग सुधार के साथ ठीक आंक 6/6 से कम, अत्यधिक उपयोग सुधार के साथ ठीक आंक 6/7 से कम, अत्यधिक उपयोग सुधार के साथ ठीक आंक में 6/30 से कम, अत्यधिक उपयोग सुधार के साथ ठीक आंक 6/60 से कम। तो ये ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के समूह का अपराय लक्ष्य रखना, नई तकनीक नई विधियों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नई तकनीक नई विधियों का प्रयोग करना, यह आपके शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। फ्रेंड, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत सारे टेस्ट पेपर लेके आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा कोई भी टेस्ट पेपर अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है? भाई ये बोझ उझ तो है ही नहीं, निगेटिव वाला तो कोई ऑप्शन सही होता ही नहीं है हमेशा। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।